नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बेस्ट एग्रोलाइफ कंपनी की गस्टो 71 हर्बिसाइड के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गस्टो 71 हर्बिसाइड के टेक्निकल से लेकर इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कौन कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, कौन कौन सी हर्बिसाइड यानी कि कौन कौन सी खरपतवारों को यह नियंत्रित करता है, क्या इसका डोज है, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, वीडियो एकदम छोटी होने वाली है, तो एक छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम डिटेल में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, गस्टो 71 एक नॉन सिलेक्टिव सिस्टमिक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट, जो कि 71% एसजी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जो ग्लाइफोसेट जो टेक्निकल होता है या खरपतवारों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित करता है, यानी कि जो अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट जो टेक्निकल है इसका जो काम है जो खरपतवारों को काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। और इसके साथ हम बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर आप गस्टो 71 खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं, तो इसका छिड़काव आप चाय की खेती पर, कॉफ़ी की खेती पर, इसके साथ साथ नारियल पर, रबर, अंगूर और आम जैसी फसलों पर आप गस्टो 75 खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और बात करते हैं कौन कौन सी खरपतवारों को यह नियंत्रित करता है, तो यह बारहमासी घास, चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं और एवं घास जाति के खरपतवारों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यह नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट जो कि 71% एजी फॉर्म में हमें यह टेक्निकल मिलता है, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट कहना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट हमें बारहमासी घास, चौड़ी पत्ती खरपतवार और घास जाति के खरपतवारों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यह बताई गई फसलों पर नियंत्रित कर लेता है। और बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो इसका जो प्रति एकड़ डोज है 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।